हाँ जी, देखिए इतने सारे बनने वाले हैं मक्के। आज हम लोग बनाएंगे बिना किसी चोंचले के बहुत ही बढ़िया सा कपकेक, मग केक कह लीजिए, जो कहना है वो कह लीजिए। और इसे बनाने के लिए कोई भी एक चम्मच घर वाला हो ना वही सेट करिए। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा वाला स्पून होना चाहिए, टेबल स्पून, टी स्पून, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। घर का कोई भी सादा चम्मच ले लीजिए। और जो भी चम्मच लीजिए, सारी जो जितना हम लोग मेजरमेंट करेंगे ना, जो जो चीज़ें नापेंगे वो सब एक ही चम्मच से। तो मैंने ये लिया है मैदा पैकेट वाला, आपको पैकेट वाला ही मैदा लेना है, बाहर का खुला मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और दो दो चम्मच मैंने डाल दिया है सारे मग में, सारे कप में। मग नहीं है एक्चुअली, ये सच में चाय पीने वाली 10 रुपये वाली कप ही है। अब फिर उसमें डालेंगे हम दो दो चम्मच चीनी। तो ये चीनी घर वाला ही है, बस मिक्सर में डाला, पीसा, घुमाया, बढ़िया से ये सफ़ेद कलर की अच्छी सी चीनी पीस के रेडी हो गई है। सफ़ेद क्या, चीनी तो सफ़ेद ही होती है। फिर सब में ना दो दो चम्मच डालेंगे। अगर मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बट चॉकलेट भी डालेंगे ना तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बढ़िया से दो दो चम्मच ही डालिए। और अब हम डालेंगे, जैसे हमारे चीनी का काम पूरा हो जाए उसके बाद हम डालेंगे कोकोआ पाउडर। तो ये कोकोआ पाउडर मैंने लिया है कैडबरी का। आप बढ़िया क्वालिटी का लीजिए कोकोआ पाउडर, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चों के खुद के लिए भी तो खाएंगे ही, ऐसा थोड़ी है। और खाने वाली हर चीज़ अच्छी वाली ही होनी चाहिए। तो मैंने उसी चम्मच से एक एक चम्मच लिया है कोकोआ पाउडर। ये मीठी वाली है। कोको पाउडर भी दो तरह की होती है, एक स्वीट वाली होती है और एक बिना, मतलब ऐसी नॉर्मल वाली। तो ये मीठी वाली है, तो इसमें भी मीठा, चीनी मीठा और चॉकलेट मीठी। और ये मैंने क्या किया ना, लिया है अपना बेकिंग पाउडर। तो चुटकी से लेंगे ना तो दो दो चुटकी लेनी है, ठीक है? तो चुटकी में लेंगे तो आधी तो चुटकी में ही रह जाएगी, इसलिए मैंने सोचा चम्मच से ही डालती हूँ। थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा, देखिए कितना थोड़ा थोड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ हल्का सा फूलने के लिए। और फूलना मतलब ऐसे, सोडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखिए, सोडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अब मैंने लिया है कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क उसी चम्मच से, सेम ही चम्मच का यूज़ करना है सारी चीज़ के लिए, ठीक है? तो एक एक चम्मच मैं ले रही हूँ कंडेंस मिल्क। ये देखिए, अब सोचिए इतनी सारी चीज़ें डलेंगी तो टेस्ट कैसा होने वाला है, धमाका, इतना बढ़िया होने वाला है। अब बच्चों के लिए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बच्चे झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे लेने के बाद। और उसी से दो दो चम्मच मैंने ना इसी डब्बे में दूध डाल दिया था, ताकि जो बचा हुआ चिपका हुआ कंडेंस मिल्क है ना वो सारा छोड़, मतलब आ जाए दूध के साथ। क्योंकि हम लोग, आप लोगों, मतलब आप लोग क्या, हम सभी को पता है कि हम इंडियंस जो है, हम जो भारतीय लोग हैं, बिल्कुल भी सामान को वेस्ट नहीं करते। ये देखिए दूध कम पड़ गया था, मैंने डाल दिया। और बड़े वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध डाला, क्योंकि मैदा भी थोड़ा थोड़ा मैंने उसमें एक्स्ट्रा ही डाला था बड़े वाले में इसके लिए। अब डालेंगे थोड़ा सा तेल उसी चम्मच से, एक चम्मच नहीं डालना है आपको, डालना है आधा आधा चम्मच तेल, ठीक है? आधा आधा चम्मच तेल डालेंगे सब में और अच्छे से करेंगे अब मिक्स। तो मिक्स बढ़िया से करना है। ये देखिए, अगर बाय द वे अगर आपको लगता है कि इसमें दूध थोड़ा सा कम है या फिर ठीक है, थोड़ा सा दूध की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा टेंशन नहीं हो लेना है कि हाँ मतलब मिक्स नहीं हो रहा है, आराम से बहुत ही अच्छे से मिक्स होगा। जितना मेजरमेंट है ना उतने में बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो जाता है, ठीक है? तो ये देखिए अच्छे से कर लेना है मिक्स। अच्छे से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नीचे ना कप, तो बढ़िया से कर देना है मिक्स। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। तो मिक्स इसलिए मैंने बोला कि नीचे ना बैठा हुआ नहीं रहना चाहिए मैदा, क्योंकि अगर नीचे मैदा बैठा हुआ रह गया तो फिर वो लम्स लम्स सा नीचे सफ़ेद ही रह जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? देखिए बढ़िया से हो रहा है मिक्स, ऐसे ही आप भी मिक्स करिए। अब आती है चॉकलेट की बारी। तो मैंने लिया है डार्क कंपाउंड। तो अच्छे से मैंने ना उसको पीस पीस में कट किया है। ये देखिए, अगर ये नहीं है तो नॉर्मली अपना कैडबरी भी ले सकते हैं। तो मैंने कैडबरी नहीं लिया, अपना डार्क कंपाउंड ही लिया है। बीच में डाल रही हूँ ऐसे सेंटर में, ताकि जब वो बेक हो जाए ना, तो एक्चुअली ये लावा केक भी नहीं है और ना ही ये अपना नॉर्मल सा कप केक है, ये थोड़ा ट्विस्ट के साथ है और बच्चों को सच में अच्छा लगे। क्योंकि ना तो ये ब्राउनी कहूँगी मैं, मतलब आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं और जो नहीं कहना वो नहीं कह सकते, लेकिन टेस्ट की गारंटी पूरी मैं लूँगी। तो सारी कोको पाउडर कर रहे हैं भगवान, अपने कंपाउंड जो है, डार्क कंपाउंड है, सबको मैंने डाल दिया है देखिए चॉकलेट के अंदर। और अच्छी क्वांटिटी में मैंने पीस लिया है, बढ़िया सा बड़ा बड़ा सा पीस कट किया है, ताकि एकदम से। और ये देखिए चुटकी बजाते ही, सॉरी थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, बाहर काम चल रहा है इसके लिए। और ये देखिए आ गई आपकी सारी कपकेक। और अब मैं क्या करूँगी, तवा लूँगी, और तवे को मैंने पहले से 2 मिनट प्री हीट किया हुआ है लो फ्लेम पे ही। और एक पे तवा रखा है और एक पे ऐसा प्लेट रखा। प्लेट इसलिए रखा है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार मैडम मेरे पास तो ये है ही नहीं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है यार स्टैंड स्टैंड के बाद, तो कटोरी प्लेट जो मिल जाए मैं उसी पर बेक कर लेती हूँ। और तवा तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मेरी सारी वीडियोज़ सारी रेसिपी इसी पर चलती हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैंने केक टिन में रख लिया,
और अच्छे से अब इसे करेंगे हम बेक। एक बच गया था बेचारा, मैं बड़ी भी जुगाड़ लगाई लेकिन ये हुआ नहीं। मैं सोची छोड़ो गोली मारूं, नहीं हो रहा तो क्या करेंगे। अभी ऐसे भगोने से ढक दिया और ऐसे रख दूंगी मैं। अपने दिया मैंने बेक होने के लिए और देखते हैं कि तवे पर बेक कैसा होता है। एक बच गया है, एक कपकेक बच गया है। अब पता नहीं ये बाद में मैं बना लूंगी अपने लिए, जब वो निकाल लूंगी ना उसके बाद मैं इसको डालूंगी, फिर मैं खुद खाऊंगी, देखूंगी कैसा, बाकी मैं बच्चों को दे दूंगी। तो चलिए आप भी ऐसे रेडी करिए, बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको आज वाला जो ये बहुत ही क्यूटी पाई सा फटाफट से बनने वाला, ऐसे एक बनाएंगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाता। मैं तो इतने सारे बना रही हूँ ना, कितने 4, 8, 9 मैंने बनाए मग केक। अब रिजल्ट देखते हैं कि कैसा आया। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। देखिए मैंने भगोना रखा है और अपना जो भी जारी चीज़ें अंदर रख दी हैं, एकदम ही लो फ्लेम पे रखना है ताकि एकदम बढ़िया से बेक हो। ऐसा नहीं कि जल्दी माइक्रोवेव में दिखाता है कि 1 मिनट में 2 मिनट में हो गया तो हम भी गैस दनादन जला दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ज़रा सा भी गैस तेज़ हुआ तो वो पूरा आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 से 20 मिनट लग जाएगा, नहीं हुआ है तो 25 मिनट लग जाएगा, लेकिन आपको आराम से धीरे धीरे एकदम पेशेंस के साथ ही इसे बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया रेडी। आपका देखने में तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि लग कैसा रहा और खाने में कैसा लगेगा, आपको भी पता है। ये ट्राई ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करिएगा। और ये देखिए मैं एक बार साइड में चेक कर रही हूँ, क्योंकि बीच में चॉकलेट डाला है तो फिर अगर मैं बीच में डालूंगी तो चॉकलेट के साथ निकलेगा, इसलिए साइड से अच्छे से मैं चेक कर लेती हूँ। एक तो पूरा कन्फर्म हो गया, मैंने गैस भी बंद कर दिया, ये दूसरा वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए मुझे लग रहा है दूसरा वाला भी कंप्लीट, क्योंकि दोनों साथ में ही रखा है तो जाहिर सी बात है। वो देखिए अभी एकदम पड़पड़ पड़पड़ वो साइड में क्या बोलते हैं उसको, जो बुलबुला बुलबुला बुलबुले छूट रहे हैं साइड में। गैस को बंद कर दिया, अभी इसे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करेंगे और उसके बाद टेस्ट करके दिखाएंगे। टेस्ट करने से पहले जो एक कप बच गया था ना उसको भी रखूंगे, भाई वो भी तो बेक होगा नहीं तो फिर वैसे ही छूट जाएगा। और यहाँ देखिए मेरा दिमाग कितना तेज़ काम करता है। देखिए मैंने गैस को बंद ही रखा है और फटाफट से लाइटर मारे जा रही हूँ, जलेगा कैसे। फिर अभी देखिए मैंने वापस एक जला लिया, फिर गैस को कम कर दिया, भगवान ऐसे ढक दिया अपना हथियार। तो अब जा रही हूँ मैं टेस्ट कर रही हूँ, टेस्ट करके बताऊंगी कि आपको मतलब मुझे कैसा लगा। तो अभी एक तो फिलहाल उधर रखा है बेक होने के लिए और दूसरा मैंने एक उठा लिया है और जितने बच्चे हैं ये सारे जाएंगे बच्चों को, तो बच्चे शाम को ये पूरा पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि अभी सारे स्कूल में ही है, सबके स्कूल में प्रोग्राम है। तो अभी मैं ये आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और जो चॉकलेट है वो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले उसको खा के देखती हूँ। पास से मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ, खा लो पूरा। इसके अंदर वाली चॉकलेट एकदम यम्मी टेस्ट आ रहा है, एकदम माइंड ब्लोइंग। मैं अभी आपको पास से दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये मग केक का टेस्ट मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा लग रहा है। और जो माइक्रोवेव में बनाएंगे ना उनका तो बहुत जल्दी बन जाएगा, 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा, और कप वालों का थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मीन्स 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएगा। लेकिन घर में जितने बच्चे हैं ना उनको बराबर से बना के दीजिए, तो बच्चे अक्सर झगड़ा करते हैं
उसको उतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, मुझे कम दे दिया, तो ये सारा कुछ भी नहीं वाला है क्योंकि मेजरमेंट सेम है, कप का साइज भी सेम है। भाई जो चाहिए वो ले लो, खाओ, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मतलब टेस्टी लग रहा है। तो किसी किसी देखना आटे के साथ, गेहूं के आटे के साथ, वो भी मैं लेकर आऊँ, गेहूं के आटे के साथ पैनकेक। किसी किसी देखना, बहुत सारे लोग बोलते दीदी आप पैनकेक नहीं बताते हो, सिर्फ आप नॉर्मली केक ही बताते हो, तो पैनकेक किसी किसी देखना है फटाफट से कमेंट कर दीजिए, वो भी जल्दी से लेकर आ जाऊँगे। और मुझे खाना था क्या, कौन सा दूसरा व्हाइट कप का, और मैंने खा लिया ऑरेंज, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने ये कट कर दिया, वो कट करके दिखा दिया क्योंकि उसमें थोड़ी शुगर कम थी, बट कोई बात नहीं, शुगर कम पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि साथ में चॉकलेट जो हमने इसमें डाल दिया ना, तो सारी मिठास चारों तरफ से फैल गई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो गाइस वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो में, और कल की वीडियो भी बहुत ही धमाकेदार आने वाली है, तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।